असलम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मिशन का गेमिंग कीबोर्ड। इसका जो मॉडल नंबर है K9520 है, ब्लैक कलर RGB लाइट के साथ ये आता है। इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होगी। अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिज़ाइन का, और साथ में चेक करेंगे इसकी जो RGB लाइट इफेक्ट्स हैं वो भी चेक करके इसी वीडियो में बताऊंगा, और साथ में रेकमेंड भी करूंगा कि ये लेना चाहिए कीबोर्ड या नहीं लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और अगर तो पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा अमजद भाई का, और उनके शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट में मिल जाता है मिशन का लोगो, नेम, यहाँ पर कीबोर्ड का डिजाइन मिल जाता है, और यहाँ पर बताया हुआ कि रिमूवेबल है आर्म रेस्ट है जो कि हैंड रेस्ट होता है, और यहाँ पर कलरफुल एडजस्टेबल RGB बैकलाइट मिल रही है, 26 कीज एंटी गोस्टिंग गेमिंग कीबोर्ड का बताया हुआ है, 12 FN+ मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज मिल रही है, और शॉर्टकट वॉल्यूम का बताया हुआ है। K9520 मॉडल नंबर मिल जाता है, और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो कस्टमाइज एबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है RGB बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड का बताया हुआ है, यहाँ पर जो आइकन दिया हुआ है 26 कीज एंटी गोस्टिंग का है, और RGB बैक लाइट का बताया हुआ है। तो इसके बैक साइड पे चलते हैं। ओके, तो बैक साइड पे मिल जाता है मिशन का लोगो, नेम और मॉडल नंबर, यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर बताया हुआ है कि FN+F1 से जो है ना म्यूजिक आएगा, और F1 इसके जो है ना शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर इसको जो है अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वायर क्वालिटी की बात कर लें तो यहाँ पर ब्राइडेड केबल मिल रही है, वायर क्वालिटी नॉट डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है फिल्टर के साथ है, और जो अंदर वाला कलर है USB का वो है गोल्ड प्लेटेड कलर मिल रहा है, तो वायर क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है। और जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो इस टाइप का, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का है, तो ये मैग्नेटिक हैंडरेस्ट है, ठीक है। तो मैग्नेट हैंडरेस्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस टाइप का है, ठीक है, सॉलिड प्लास्टिक है, तो अच्छा बनाया हुआ सिंपल सा डिज़ाइन है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये इस टाइप से मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, और जो इसका जो है ना RGB इफेक्ट्स वगैरह वो भी चेक करते हैं, और जो की साउंड है वो भी चेक कर सकते हैं। वैसे की साउंड तो इसकी होगी नहीं क्योंकि ये मेम्ब्रेन में आता है, एंटी गोस्टिंग जो कीज़ मिल रही है इसमें की साउंड नहीं होती है। तो इसके जो RGB इफेक्ट्स है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है, और ऑरेंज कलर दिया हुआ है, और ये आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है ये भी मिल रहे हैं ताकि। ओके, तो यहाँ पर ये भी है और स्टैंड टाइप है, और यहाँ पर जो है रबर की बेस दी हुई है तो ताकि ये स्लिप ना हो। ओके, तो इसकी भी क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, नॉर्मल है, प्लास्टिक जो है ना सॉलिड प्लास्टिक मिल रहा है, तो काफ़ी अर्से से चलने वाला है, ये नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है। तो चलिए फिर इसको जो है RGB लाइट इफेक्ट्स चेक कर लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो फंक्शंस कीज हैं FN कीज जो होते हैं RGB इफेक्ट के वो चेक करते हैं, और फिर जो साउंड है की साउंड वो भी चेक करके आपको बताता हूँ। ओके, दोस्तों जो इसके RGB इफेक्ट्स है वो चेक करते हैं, तो FN मैं यहाँ पर दबाता हूँ 1 को, तो यहाँ पर ग्रीन और RGB लाइट ऑन हो जाती है, ये आप लोग देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये RGB लाइट्स ऑन होंगे। तो F1 फिर दबाता हूँ तो यहाँ पर वही चीज़ है कलर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर FN2 दबाता हूँ तो ब्लू कलर शो कर देता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं FN3 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ये मूड ऑन हो जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं FN4 दबाता हूँ तो यहाँ पर ऑरेंज, येलो, ग्रीन आ रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ये 1x1 जो है कलर चेंज करेगा, लेकिन ये कि फुल में जो है ना वन एक कलर आएगा, लेकिन आस्ता आस्ता जो है ना वो चेंज करता रहेगा, अभी ये वाइट कलर आ गया। ओके, तो मैं F5 दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर अभी शो कर रहा है, तो ये इस टाइप से लो डिम करेगा, लेकिन वन कलर शो करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद चेंज
हो जाएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं F6 दबाता हूँ तो ये इस टाइप से शो करेगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये F6 से जो है ये मूड शो होता है। ओके तो यहाँ पर मैं F7 दबाता हूँ तो यहाँ पर ये इस टाइप से आएगा मूड, लेकिन ये स्टील कलर है, लेकिन ये सारा जो है ना कलर्स ऑन हुए हैं। तो यहाँ पर F7, 8 ओके तो 8 पे जो है ये ब्लू कलर शो कर रहा है और यहाँ पर इस तरह से जो है ग्लो करेगा, तो ये आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा जो है मैं कैमरे को ना पास कर देता हूँ ताकि ओके तो यहाँ पर जो है अब सही से नज़र आएगा। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो कलर है वो कैसे मिल रहे हैं, तो ये खुद ही जो है चेंज होते रहेंगे। F9 दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है ओके जो अभी मैं वो करूँगा तो वही जो है ना लाइट ऑन करेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या फुल पे शो करेगा, ठीक है, फुल जो है कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर मैं F0 दबाता हूँ, 0 पे इस टाइप से ये दिया हुआ है मूड। ओके तो यहाँ पर ये इस पे कुछ भी नहीं है, माइनस वगैरह पे कुछ भी नहीं है। ओके डिलीट दबाता हूँ। ओके तो यहाँ पर तो इन्होंने कोई मूड्स नहीं दिए, बस इतने ही मूड दिए हैं, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 तक जो है ना इन्होंने दिए हुए हैं, 0 तक जो है इन्होंने मूड्स दिए हुए, बट 10th बटन में इन्होंने मूड जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं की साउंड आपको सुना देता हूँ कि जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं उनकी जो की साउंड है वो कैसी मिल रही है। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है क्योंकि ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जस्ट गेमिंग कीबोर्ड इसे कहते हैं, तो इसकी की साउंड इसी टाइप की होती है। ओके दोस्तों तो आप लोगों को कैसा लगा ये कीबोर्ड, मैंने फर्स्ट अनबॉक्सिंग की है मिशन की कीबोर्ड की, तो ये नॉर्मल कीबोर्ड में आता है लेकिन अच्छा है, अगर तो कोई नॉर्मल कीबोर्ड में लेना चाहता है तो आप लोगों ने इसके RGB फ्लैश भी देख लिए और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी ठीक मिल रही है। तो अगर तो ये आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा और शॉप एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।